आज राजस्थान में चुनाव है और इस चुनाव के मैदान में अलग अलग जगह में लाखों के तादाद में लोग रैली निकाल रहे हैं और रैली निकालते हुए सभी जनता कहते हैं कि कांग्रेस फिर से आएंगे। जरा सुनिए, कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस 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 या बीजेपी? कांग्रेस 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 या बीजेपी? कांग्रेस 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 या बीजेपी? इधर का माहौल क्या है? आगे आइए आगे आइए। कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। सुनिए ना दोस्तों, सभी जनता का यही कहना है, चाहे मजदूर हो या टोटो वाला हो, चाहे जो भी हो, सभी यही कह रहे हैं कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, यानी राजस्थान के धरती में कांग्रेस का आवाज गूंज रहे हैं। वही कांग्रेस का सबसे बड़े नेता राहुल गांधी ने बड़े बड़े वादा किए हैं राजस्थान के धरती में, और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत भी इस ऐलान में शामिल है, यानी इस गारंटी में शामिल है। उसने कहा कि 50 लाख का मुफ्त इलाज किया जाएगा, तो जनता भी तो खामोश नहीं बैठेगा ना। तो जनता ने इसके बारे में क्या कहा, जरा सुनिए। अगर हमारा एक वोट किसी गरीब आदमी का 25 लाख का अगर इलाज कराता है तो वो कांग्रेस के लिए। अच्छा, हमारा एक वोट अगर किसी गरीब परिवार के लिए 25 लाख का इलाज हो जाता है तो हमारा एक वोट कांग्रेस के लिए। सुन लिया ना, राजस्थान के जनता कहते हैं हमारे एक वोट से अगर किसी गरीब का 25 लाख का इलाज हो जाते हैं तो मेरा पहला वोट कांग्रेस के हाथ में जाएगा। यानी राजस्थान के जनता ये कहते हैं अगर हमारा मुफ्त में इलाज हो जाए तो हम किसी को वोट काहे दें, जब कांग्रेस मुफ्त में इलाज करते हैं तो कांग्रेस को ही वोट दिया जाए। इसी के साथ साथ आपको 10 लाख नए रोजगार मिलेंगे, यानी जिस तरह से बिहार में दिया गया ना जॉब, नौकरी दिया गया है ना, उसी ही तरीके से राजस्थान में भी जॉब दिया जाएगा। अगर कोई जॉब करते करते रिटायर हो चुके हैं, उसे पेंशन नहीं मिल रहे हैं, तो उसे कानून के द्वारा पेंशन मिलेंगे, यानी उसे पेंशन दिलाया जाएगा। इतना ही नहीं दोस्तों, 1200 का सिलेंडर सिर्फ आपको 400 रुपए में मिलेंगे, यानी अगर कांग्रेस सरकार राजस्थान के धरती में फिर से आते हैं तो आपका 800 रुपया बच जाएंगे जब आप गैस सिलेंडर खरीदोगे। और तो और दोस्तों, राजस्थान में जो गाय पालते हैं उसके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि अब गोबर भी खरीदा जाएगा, यानी हर एक किलो गोबर का प्राइस 2 रुपया होगा। और क्या क्या चाहिए राजस्थान के धरती के लोगों को, अब तो गोबर भी खरीदा जाएगा। कांग्रेस की गारंटी है कि आपके एक वोट से राजस्थान के मेहनती पशुपालकों को दुधारू पशुओं का कामधेनु बीमा मिलता रहेगा। दूध खरीदी के साथ साथ गोधन गारंटी के अंतर्गत गोबर खरीदी भी मिलेगी। इसी के साथ किसान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है, किसान अब जो भी फसल लगाएंगे उसका जो प्राइस होगा उसका बहुत ही हाई लेवल में अब होंगे, यानी किसानों को सरकार MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस हाई लेवल पर देंगी। उदाहरण से आप समझ सकते हैं, जैसे कि गेहूं धान का अगर प्राइस बाजार में 10 रुपया किलो है तो उसी गेहूं और धान को सरकार 12 रुपया में खरीदेगा, उसी को कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और अगर किसान कर्ज लेना चाहते हैं तो बिना ब्याज का यानी बिना सूद का सरकार 2 लाख का कर्ज भी देंगे। अब जब चाहोगे तभी कर्ज को पूरा कर सकोगे, यानी सरकार आपके ऊपर में दबाव नहीं रखेंगे कि आज ही आपको कर्ज देना है, आपका सूद बढ़ जाएंगे, ये सरकार आपको नहीं बोलेगा, यानी फ्री इंटरेस्ट में आपको लोन भी मिलेंगे। और दोस्तों आपको ये भी बता दें, राजस्थान के धरती में जितने भी स्टूडेंट है ना उसको फ्री में लैपटॉप मिलेंगे। इसी के साथ जितना भी प्राइवेट स्कूल है ना वो फ्री कर दिया जाएगा। और क्या चाहिए यार, प्राइ एजुकेशन भी फ्री हो रहे हैं, यानी अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं ना वो फ्री में पढ़ सकते हैं, आपका एक तरफ का खर्चा कम हो जाएगा, ये सरकार कर रहा है। लेकिन अगर हमें कोई भी ये बात बोल दे कि आप इस सरकार का सपोर्ट कर रहे हैं उस सरकार का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो ये बात आपका सरासर गलत होगा। जो भी न्यूज़ मेरे सामने आते हैं अगर मुझे अच्छा लगता है तो उसका मैं तारीफ ज़रूर करूँगा, चाहे जो भी सरकार हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और साथ ही में शेयर भी कर दीजिएगा। अगर फेसबुक में आप देखते हैं तो फॉलो ज़रूर करिएगा।